तो गाइस इनक्यूबेटर तो भाग गया है, मतलब RIP हो चुका है, और कोई किसी भी दिन इनक्यूबेटर आपको देखने को नहीं मिला है। तो जैसे कि इंडिया सर्वर में चला गया, लेकिन कुछ सर्वर ऐसा है जिसमें आपको इनक्यूबेटर देखने को मिल रहा है अभी तक, ठीक है। बाद में क्या होंगे उसी के बारे में पता नहीं, अभी तक देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं एक इनक्यूबेटर को स्पेन करके देखने वाला हूँ, तो चलो देखते हैं क्या है उसमें अंदर, क्या क्या रियड है। मैंने एक पहले वीडियो में बनाया था, लेकिन वीडियो नहीं डाला क्योंकि उसमें मुझे कुछ नहीं मिला था। इतना सारा टोकन को खर्च किया लेकिन कुछ नहीं मिला, तो चलो इस पर जाके देखता हूँ क्या होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले क्लिक करने के बाद मुझे इनक्यूबेटर ही दिखाई दे रहा है। इसमें 3 इनक्यूबेटर है, ठीक है, मतलब 3 में से आपको कुछ भी एक को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखा देते AC-80 गन का स्किन और ग्रोजा का गन का स्किन, और इधर से रेबल एकेडमी ए बंडल, ठीक है। तो हमारे पास अभी 13A है, तो उसको बढ़ाना होगा। जैसे कि मैं इसको कैसे बढ़ाऊँ, इसमें कुछ मिशन दिया है, जिस मिशन को कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल ही फ्री में आपको इनक्यूबेटर का वाउचर्स मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं इवेंट पर चला जाता हूँ, और इधर से जाने के बाद इधर से देखो मुझे टोटली 10 इनक्यूबेटर का वाउचर्स देने वाला है, और ये मिशन कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि इधर से देखो सारी की सारी क्लेम करूंगा तो ये आज का आ जाएंगे, ठीक है। और उससे पहले जोम्बी हंट मोड में गेम प्ले करने के बाद कुछ इनक्यूबेटर देने वाला है। जैसे 5 गेम प्ले करने के बाद आपको 3 इनक्यूबेटर का वाउचर्स दे रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको भी कंप्लीट कर दी। चलो फटाफट से क्लेम करवा लेता हूँ, क्योंकि इधर से क्लेम नहीं करूँगा तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा इनक्यूबेटर का वाउचर्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इधर से 2 चीज़ मिला है 3 दिनों के लिए, कोई बात नहीं। मुझे ज़रूरत है वाउचर्स, उसको मुझे नहीं ज़रूरत है, ठीक है। तो इधर से आपको क्या बोल रहे हैं कि लॉग इन 1 डे करने में 1 टोकन मिल जाते हैं, इसका टोकन का नाम है रैम्पेज सईद, ठीक है। और 1 गेम प्ले करने के बाद आपको 2 टोकन मिल जाते हैं, और 1000 डैमेज देना होगा तभी आपको 2 टोकन मिल जाते हैं। 2 गेम प्ले करना होगा तभी आपको 3 टोकन मिल जाते हैं। अभी 30 मिनट गेम प्ले करना होगा तभी आपको 5 टोकन मिल जाएंगे, और 85 मिनट गेम प्ले करने के बाद 12 टोकन मिलेंगे। टोटल कितना हो रहा है भाई, बहुत सारा टोकन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं एक एक करके क्लेम करवा लेता हूँ, क्योंकि वो मुझे अभी ज़रूरत है इनक्यूबेटर का वाउचर्स का, ठीक है। तो फटाफट से मैं इसको क्लेम करवा लेता हूँ। क्लेम करने के बाद मुझे इनक्यूबेटर का वाउचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके बता सकते हो। जैसे कि इधर से देखो 10 इनक्यूबेटर का वाउचर्स मुझे मिलने वाला है, ठीक है। तो चलो मैं फटाफट से इसको एक्सचेंज करवा लेता हूँ, क्योंकि मुझे 10 इनक्यूबेटर का ज़रूरत है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास आ चुका है 10 इनक्यूबेटर्स का वाउचर्स, और इधर से 3, टोटल 13 आ चुका है। और इधर से मैं तो इस बार उसको तो नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि एक 1 टाइम एक्सचेंज है, ठीक है। तो मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे इसको इसकी लूँगा तो इसमें भी नहीं होने वाला है। चलो एक बार ट्राई करके देखते हो क्या मिलने वाला है, ठीक है भाई। इसमें कार्ड मिला है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम अभी इसको सारी की सारी इसको ये कर लेते हैं, ठीक है, मतलब गोल्ड कॉइन में खरीद लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं फिर से बैक ऑप्शन पे चला जाता हूँ, और आता हूँ इधर से लक रॉयल के अंदर, ठीक है। लक रॉयल के अंदर आने के बाद मेरे पास टोटली 26 इनक्यूबेटर का वाउचर्स आ चुकी है, ठीक है। तो इसको मुझे स्पेन करना है। सबसे पहले मैं स्पेन करूँगा 5, ठीक है, एक साथ 5 स्पेन करूँगा और देखूँगा क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो फाइनली स्पेन कर दी, और इधर से देखता हूँ क्या मिलने वाला है। मुझे लगता नहीं कि पहले आप मुझे कुछ मिल जाएंगे। ऐसे देखो बॉक्स को मिल रहा है, तो इस बॉक्स को लेके मैं क्या करूँ पता नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, फिर से एक्सपेन करूँगा, ठीक है। और एक्सपेन करने के बाद पता चल जाएंगे क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है, ठीक है। देखो भाई बॉक्सेस ही मिला है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद एक ये मिला है, ठीक है। तो फिर से मैं इसको स्पेन करूँगा 5, ठीक है। तो 5 स्पेन करने के बाद देखूंगा कि क्या मिलने वाला है। एक भी मुझे एवोल्यूशन स्टोन मिला है एक, और इधर से रोजा का गन का स्किन मिला है एक, एवोल्यूशन स्टोन और भी एक बढ़ गया, ठीक है। जैसे कि हमारे देखो एक एवोल्यूशन स्टोन आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। फिर से इसको स्पेन करता हूँ 5, ठीक है, क्योंकि 5 5 करके ही करूँगा, नहीं है तो इधर से देखो अभी 10 बचा है, ये भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और फिर से और एक मिला है इन एवोल्यूशन स्टोन्स, और इधर से सारी की सारी एक ही बॉक्सेस को दे रहा है क्या भाई, पता नहीं। और मुझे इधर से ज़रूरत है कि बीट्स बेंगर, ये जो ग्रोजा का स्किन है ना, इसको एक एवोल्यूशन स्टोन चाहिए और एक ये चाहिए, ठीक है।
मतलब ब्लूप्रिंट एक चाहिए और एक एवोल्यूशन स्टोन चाहिए, तभी मुझे ये वाला चीज़ मिलने वाला है, ठीक है। मुझे मेरे हिसाब से लगता नहीं कि ये मिलने वाला है, तो चलो ट्राई करके देखता हूँ। फिर से 5 पेन करता हूँ क्योंकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टोकन नहीं है, ठीक है। तो इस बार तो मिल जाओ यार, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सिर्फ सिर्फ ये देखो बॉक्सेस दे रहे हैं, इस बॉक्स को लेके मैं क्या करूँ भाई, पता नहीं। एक स्पेन करता हूँ, ठीक है। इस बार मुझे कुछ मिलना चाहिए, जैसे कि स्पेन किया हूँ तो फिर से बॉक्सेस ही मिला है, कोई बात नहीं। इसको फिर से 5 स्पेन कर देता हूँ और ये लास्ट चांस है। इसमें नहीं मिलेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 26 वाउचर्स को मैंने ख़त्म कर दी। एक ब्लू प्रिंट मिला है और 2 ब्लू प्रिंट मिल चुकी है, ठीक है। फाइनली देखो इधर से मुझे 2 ब्लू प्रिंट मिल चुकी है, काफ़ी बढ़िया है। रेवेल अकेडमी का अपी ओपी वाला है, ठीक है। 2 ब्लू प्रिंट तो मुझे मिल चुके हैं, लेकिन मेरे पास एवोल्यूशन स्टोन्स नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। और इधर से मैं ओके करके देख लेता हूँ कि इधर से जो रिबेल एकेडमी का ये है, इसको सबसे लोएस्ट वाला कौन सी वाला चीज़ है। अरे भाई साहब, और एक मुझे एवोल्यूशन स्टोन्स की ज़रूरत है, तभी मुझे सारी की सारी रियड मिल जाएंगे, लड़की हो या लड़का हो मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो जाके देखता हूँ कौन सी वाला चीज़ मिलने वाला है। एक एवोल्यूशन स्टोन दे दो, एक ही इनक्यूबेटर का वाउचर्स है भाई। इस बार नहीं मिलेंगे तो क्या कर सकते, अरे भाई मिलने का कोई चांसेस ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चलो इसको ओपन करके देख लेता हूँ, मुझे एक एवोल्यूशन स्टोन नहीं मिला। मिल जाती तो मुझे रिबेल एकेडमी का एक बंडल मिल जाती, क्योंकि हमारे पास 2 एवोल्यूशन स्टोन आ चुका है और 2 इनक्यूबेटर का वाउचर्स भी आ चुकी है, ठीक है। ये वाला बंडल मैं आसानी से ले सकता था, लेकिन एक एवोल्यूशन स्टोन्स की ज़रूरत है, तो क्या करूँ, कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो देख के अच्छा लगना चाहिए। नेक्स्ट टाइम इसका कंटिन्यू करूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और भी हमारे पास इनक्यूबेटर का वाउचर्स मिलेंगे, मिलने के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तो तब तक के लिए अच्छे रहो, और वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताओ भाई। ये इनक्यूबेटर का वाउचर्स मैंने बहुत दिन से जमा करके रखा था, इसीलिए एक साथ स्पेन कर पाया नहीं है, तो एक साथ इतना सारा चीज़ नहीं देते घर है ना वालों, ठीक है। आपको भी इस तरीके से स्पेन करना है तो जमा करके रखना होगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए यही था, तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ नया वाला वीडियो लेके। तब तक के लिए अच्छे रहो।